प्लीज़ कैसे हो आप लोग। हम बनाएंगे अभी आलू का पराठा जी। हमारा फर्स्ट भी लोग है, प्लीज़ देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। पहले सबसे पहले गैस हमें आलू ले लेना है और इसको बॉईल करना है। इसको बड़े हैं तो हम लोग छोटे छोटे काट लेंगे। इस करके इसको हमने रख दिया गैस ऊपर। अभी कुकर को बंद कर देंगे और दो तीन विसल देने तक इसको। पहले अभी हम आटा गूंदेंगे और आटा को गूंद के थोड़ा रख देंगे क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। जब भी आप आटा गूंदो उसको 10 मिनट पहले पानी में ऐसे भिगो के रख दीजिए, फिर उसके बाद वो जल्दी ही आटा मतलब सॉफ्ट हो जाता है। गाइस अभी देखिए आटा है ना जो एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अभी हम आलू को देखते हैं। पहले गाइस देखिए अभी जो आलू है ना अच्छे से एकदम पक गए हैं, जो कटारी है ना वो अंदर जा रही है, तो हम अभी निकाल लेते हैं इसको ठंडा करके छील। गाइस देखिए अभी जो आलू है ना वो अच्छे से पक गए हैं, अभी हम इसको निकाल देते हैं। अभी हमने आलू को छील लिया है अच्छे से और इसमें हम प्याज डाल देंगे, बिग बिग प्याज कटा हुआ है। और गाइस धनिया अदरक और हरी मिर्ची एक साथ मैंने काट ली थी, वो भी अच्छे से डाल देते हैं। नमक दे देंगे जितना आपको चले, हम ज़्यादा भी नहीं डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता। और जीरा पाउडर दे सकते हैं, थोड़ा सा जीरा साबुत जो जीरा है ना वो भी दे दिया हमने। और थोड़ा सा हम हल्दी दे देंगे, जो कलर है ना वो थोड़ा अच्छा आता है। थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा हम लाल मिर्च इसमें दे देते हैं। धनिया साबुत धनिया है वो भी थोड़ा सा हम इसमें दे देंगे। और अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। आलू को हम लोगों ने मैश कर दिया है और अभी बनाएंगे हम रोटी। सबसे पहले अभी हम एक छोटा सा लोई जो होती है वो बनाएंगे। गाइस अभी हम इसमें थोड़ा आलू देंगे जितना इसमें आ जाए। और अभी हम इसको ऐसे पूरा बंद कर देंगे। उसके बाद सूखा जो आटा है उसको लगाएंगे और ऐसे हाथ से उसको थोड़ा ऐसे कर लेंगे। हम इसको आस्ते आस्ते एकदम हल्के हाथों से इसको बेलेंगे, जो आलू है ना वो बाहर ना निकल जाए, इसलिए इसको एकदम मतलब हल्के हल्के बेलना है। अभी हम इसको तवा में डाल देंगे गाइस। हम इसको थोड़ा सा घी लगा के इस साइड में पका देंगे और अभी हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। अभी हम इसको एक साइड से पकने देंगे और फिर इसको इस साइड में कर देंगे। अभी हम बनाने के बाद आपको दिखाते हैं कैसा बना है। अभी हमने जी रोटी बना के रख दी है। अभी देखिए कैसा बना है आलू का पराठा। और हम अभी इसमें बटर लगाएंगे, रख दें एक साइड पे। अभी बन के गाइस रेडी है पूरा आलू का पराठा और साथ में है अचार। प्लीज़ कैसा लगा है आप बताइए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना।